नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल 10-11 जुलाई को प्रदेश के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विवि में रहेगा अवकाश, सीएम सुक्खू ने की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 10 और 11 जुलाई को अवकाश की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की ओर से जारी प्रेस बयान में ये जानकारी दी गई। निदेशक उच्च शिक्षा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले आज सुबह उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि जिले में भारी बारिश की वजह से 10 जुलाई सोमवार को सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि गत शनिवार सुबह से ही जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण अधिकतर संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं तथा मौसम विभाग द्वारा भी रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर गिर रहे पत्थर कार चपेट में आई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बिलासपुर में तबाही मचाई है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह पर पत्थर गिर रहे हैं। शनिवार रात को एक कार पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि सभी सवार सुरक्षित बच गए हैं। वहीं फोरलेन पर समलीटू के पास भी भारी भूस्खलन होने से यातायात पूरी तरह बंद है। इसके अलावा जिले भर के 10 संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण बंद हो गए हैं। बारिश से निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। घुमारवी बाजार में दुकानों में पानी घुस गया। दुकानदारों को टुल्लू पंप लगाकर पानी निकालना पड़ा। कई जगह डंगे गिरने और घरों में दरारें आने की घटनाएं भी हुई हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। ANM की 183 सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 20 जुलाई आखिरी तारीख। 2 साल की ANM कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने ANM कोर्स के लिए आवेदन मांगे हैं। कोर्स के लिए पात्र अभ्यर्थियों को 20 जुलाई तक आवेदन करना होगा। प्रदेश के 10 ANM प्रशिक्षण संस्थानों में 183 छात्राओं को नर्स बनने के लिए दाखिला दिया जाएगा। प्रदेश में ANM कोर्स के लिए एक सरकारी और 9 निजी संस्थान चल रहे हैं, जहाँ पर इसकी पढ़ाई होती है। सरकारी संस्थान में 30 और निजी संस्थानों में 153 सीटों पर ANM कोर्स के लिए दाखिला होगा। ANM एक ऐसा कोर्स है जिसमें विज्ञान, कला और वाणिज्य संख्या के अभ्यर्थी भी दाखिले लिए आवेदन कर सकते हैं। HRTC बस में 3 यात्रियों को बिना टिकट ले जा रहा था कंडक्टर निलंबित। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC के साधारण बस में 3 यात्रियों को बिना टिकट दिए ले जा रहे कंडक्टर को निलंबित कर दिया गया है। HRTC मुख्यालय के निरीक्षण दस्ते ने दिल्ली से रामपुर जा रही बस को शुक्रवार रात 11:37 पर डेरा बस्ती के पास निरीक्षण के लिए रोका। इंस्पेक्टर बलबीर सिंह और सब इंस्पेक्टर गुरबचन सिंह ने जब टिकट जांची तो 3 यात्री बिना टिकट पकड़े गए। बस में कुल 45 यात्री सवार थे। पूछताछ में यात्रियों ने बताया कि कंडक्टर ने उनसे किराया लिया था, लेकिन टिकट नहीं दिया। हिमाचल भाजपा में बड़े बदलाव के लिए JP नड्डा ने दी हरी झंडी। लोकसभा चुनाव है लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लक्ष्य में रखकर संगठन में बड़े बदलाव को हरी झंडी मिल गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद इस पर सहमति दी है। अब आगामी दिनों में नए पदाधिकारी कभी भी तय किए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव में ठीक प्रदर्शन नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर गाज गिनाते हैं। राज्य भाजपा संगठन के सामने लोकसभा चुनाव में वर्चस्व बनाए रखना चुनौती होगा। नड्डा ने नई दिल्ली शुक्रवार रात को भाजपा की एक क्षेत्रीय स्तर की बैठक ली। इस बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक में हिमाचल भाजपा की ओर से राज्य प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन शामिल हुए। हिमाचल में यूरिया खाद का संकट। हिमफेड ने कंपनियों को 9,922 मीट्रिक टन की भेजी मांग। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच किसानों, बागवानों के लिए एक और संकट खड़ा हो गया है। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली यूरिया खाद प्रदेश भर में किल्लत चल रही है। खाद के लिए किसान बागवानों डिपो में संपर्क कर रहे हैं, मगर उन्हें खाद नहीं मिल रही है। यदि ज्यादा खाद मुहैया नहीं हो पाए तो किसानों को नुकसान होगा, साथ ही बागवानी पर भी असर पड़ेगा। हिमफेड ने संबंधित कंपनियों को इस बार 9,922 मीट्रिक टन खाद की डिमांड भेज दी है। मूसलाधार बारिश के बीच हिमाचल में आज भी रेड अलर्ट, पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने को कहा। हिमाचल प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से हिमाचल प्रदेश में 9 जुलाई के लिए बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी गई है। 10 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। पूरे प्रदेश में 14 जुलाई तक बारिश का सिलसिला
जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने हिमाचल के लाहौल स्पीति में अचानक बाढ़ हिमस्खलन की चेतावनी भी दी है। डीआरडीओ की पहल, चीन सीमा से सटे क्षेत्रों में सेना के जवानों के लिए उगाए जाएंगे ताजा फल और सब्जियां। चीन शासित तिब्बत से लगते हिमाचल प्रदेश के सीमा इलाकों में अब सैनिकों को ताजा सब्जियां और फल मिलेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसके लिए सीमा पर बसे गांवों के लोगों को सब्जियां और फल उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इन क्षेत्रों में सेब के फल उगाने से लेकर विभिन्न सब्जियों जैसे मूली, गोभी, फूलगोभी, ब्रोकली, ककड़ी आदि को पैदा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में ये विदेशी सीमा किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों से है। बताया जा रहा है कि इस योजना से दो लाभ होंगे। एक तो जवानों की सेहत ठीक रहेगी और उन्हें डिब्बाबंद खाने से गुजारा नहीं करना होगा। दूसरा, गांववासियों को भी इससे स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार मिलेगा। इस नाम के प्रयोग लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भी हो चुके हैं। लद्दाख की शुष्क भूमि में रहने वाले लोग साल भर ताजी सब्जियां उगाना शुरू कर चुके हैं। शुष्क क्षेत्रों के लिए तो कृषि विशेषज्ञों ने एक नया ग्रीन हाउस मॉडल विकसित किया है। विशेषज्ञों की एक टीम लद्दाख किसान जवान विज्ञान मेले में इससे संबंधित एक मॉडल प्रदर्शित कर चुकी है।